नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पहले आपने वीडियोस में देखा कि हमने इंक्वायरी बच्चों की कैसे फिल करनी अपने सॉफ्टवेयर में, उसके बाद इंक्वायरी से बच्चों के एडमिशन्स फॉर्म कैसे फिल करने, उनकी सारी डिटेल्स। ये डिटेल्स फिल करने के बाद अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपने अपने बच्चों के फीस प्लान कैसे सॉफ्टवेयर में बनाना है, ताकि वो फीस प्लान ऑटोमेटिकली जब भी आप बच्चों के पेरेंट्स से फीस देने आए तो जस्ट आप उनका एडमिशन नंबर डालें और सारी डिटेल अपने आप को कि उनकी मंथली फ़ीस कितनी है, ट्रांसपोर्टेड चार्जेस, एडमिशन फॉर्म चार्जेस, वो सारे चार्जेस ऑटोमेटिकली उठा लें। तो हमने इस फीस प्लान को यहाँ पे देखिए, फ्रंट पे ही आपके फ़ीस प्लान दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन दिया हुआ है, पहले हमने न्यू क्रिएट करके ग्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने नेम देना है, हेडिंग नेम देना है। सपोज कर लीजिए मंथली फीस, एंटर। ग्रुप में हमने जर्नल सेलेक्ट करना है, मंथली फीस को हम ट्यूशन फीस के अंडर रखते हैं अकाउंट नेम के, और इसको हम मंथली लेते हैं और डायरेक्टली यहाँ से सेव कर देंगे। उसी तरह हम और भी चार्जेस यहाँ पे क्रिएट हेडिंग कर लेते हैं, जैसे मंथली फीस होगी, एडमिशन्स फीस होगी, एडमिशन फीस के अंडर जो हमारी फ्रीक्वेंसी एडमिशन फीस होती है एनुअली होती है। एनुअली मीन्स टू से कि साल में हम एक बारी ही चार्ज करते हैं बच्चों से। उसी तरह हम और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपनी, जैसे एडमिशन फीस होगी, बिल्डिंग फीस होगी, बिल्डिंग फीस को भी हम जो लेते हैं इसको एक्स्ट्रा इनकम में या जिस चीज़ में भी आप रखना चाहते थे यहाँ पे आप रख सकते हैं इजी वे में, ताकि आपको पता रहेगा। आप एडमिशन फॉर्म में इसको भी हम एनुअली लेते हैं और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। तो सपोज कर लीजिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन फीस करता हूँ सेलेक्ट। मान लीजिए मेरी एडमिशन फीस है 6500, कौन सी क्लास की, 10th क्लास की। यहाँ से मैंने 10th क्लास सेलेक्ट किया। यहाँ पे ग्रुप में हमने जर्नल और एनए दोनों सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। इस तरह हमने फिर न्यू बनाना है। अब मैंने मान लीजिए बिल्डिंग फीस चार्जेस बनाने हैं 550 रुपये ईयरली, 10th क्लास वालों से हम लेते हैं। उसके बाद हम मंथली फीस सेलेक्ट कर लेते हैं, कितनी फीसिस है इनकी, 850 रुपये मान लीजिए मंथली फीस जो है वो 10th क्लास की चार्ज करते हैं हम लोग। यहाँ पर टिक, और सेव कर लीजिए। इसी तरह हमने पूरे स्कूल के सभी क्लासेस के ऐसे फीस प्लान बनाने, ऑटोमेटिकली सेव होते जाएंगे सबके सब सारे फीस प्लान। वेल बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल वे में आपने सभी क्लास के जस्ट फीस प्लान डिफाइन करना है, और मैं आपको दिखाता हूँ ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें ना वो ऑटोमेटिकली फीस में ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगा। देखिए मैंने फीस प्लान बना दिया। अब मैं देखिए यहाँ पे फीस रिसिप्ट लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास पेरेंट्स आए और वो मुझे फीस जमा कराने के लिए आए, मैंने न्यू किया, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब मान लीजिए मुझे बच्चे के एडमिशन नंबर नहीं पता या उसका नाम नहीं पता, तो साइड में बाइनोकुलर दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लास 10th लिख दीजिए, जौन से बच्चे का सारी लिस्ट आ गई या उसका नाम डाल के सर्च आउट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली जिस पे बच्चों की फ़ीस लेनी है आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली ओके जैसे करेंगे सारी की सारी डिटेल आपको शो कर देगी यहाँ पे। ये देखिए हमने जितनी उसकी मंथली फ़ीस सेलेक्ट की थी, एडमिशन फीस, बिल्डिंग फीस, जो जो भी चार्जेस हैं वो सपोज कर लीजिए पेरेंट्स, अब इसकी टोटल अमाउंट 7900 बनी, बट पेरेंट्स कह रहे हैं मैं 7500 ही लेके आऊँ, तो यहाँ पे आप रिसिप्ट अमाउंट में जस्ट 7500 लिख के एंटर प्रेस करके ओके करते जाइए और सेव कर दीजिए। जस्ट सिंपल वे में देखिए कितना सिंपल फॉर्मेट है फीस लेने का, कि आपने जस्ट एक एंटर प्रेस किया और अभी आपके सामने ही रिसिप्ट प्रिंट होके तुरंत ही आपके प्रिंटर से बाहर आ जाएगी। मैं उसका आपको प्रिव्यू भी दिखा देता हूँ
कि प्रिंट हमारा किस तरह का रहेगा, जिस तरह का भी कस्टमर हमारा चाहता है, जो भी स्कूल भाई के जिस तरह के भी डिज़ाइन चाहते हैं, वो सारा हम हर तरह का बिल उनको हम बिल फॉर्मेट डिज़ाइन करके देंगे। उन्होंने अपना लोगो लगाना, हर चीज़, आपके स्कूल का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चे का पेरेंट्स डिटेल, उसका किस चीज़ के लिए हमने उसको चार्जेस किए हुए हैं, क्या क्या चार्जेस लगाए हुए हैं, सारा ए टू जेड एग्जैक्टली शो किया हुआ है। इससे क्या रहेगा कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और पेरेंट्स आपको इजी वे में आपको पेमेंट करेंगे और चले जाएंगे। सो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल प्लान, फीस प्लान कैसे क्रिएट करना और हमने फीस रिसिप्ट कैसे हमने काटनी है, सिंपल। और इस वीडियो को और वीडियोज़ के लिए आप आगे हमें कमेंट करते रहिए YouTube पे, जिस जो भी वीडियोस आपको चाहिए वो आगे हम बना के आपको जल्द से जल्द हम अपलोड करेंगे YouTube पे। देखते रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।